असल अजीजिल्मो अलीक अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है चाइल्ड डेवलपमेंट के कोर्स के साथ आज हम बात करेंगे आ, दो जबानों के बारे में यानी बच्चा जो है वो अगर ऐसे माहौल में पलता बढ़ता है जिसमें एक से ज़्यादा यानी दो जबान या दो से ज़्यादा तीन चार जबानें बोली जाती हैं तो उसकी नशो वनमा में किस तरह का असर पड़ता है क्या एक से ज़्यादा ज़बान सीखना अच्छा है क्या एक दो से ज़्यादा ज़बानें सीखना अच्छा है क्या एक ही जबान अच्छी है इसके बारे में बात करेंगे ना सिर्फ ये बल्कि बेशुमार बेशुमाराशरों में बेशुमार मुल्कों में एक से ज़्यादा ज़बान बोली जाती है चूँकि एक से ज़्यादा ज़बान बोली जाती है तो सबसे ज़्यादा इसका असर जो पड़ता है वो तली निज़ाम पर पड़ता है इंसान कुछ चीज़ें तो अपनी ज़बान मादरी जबान में सीख सकता है या सीखता है और फिर तालीम के लिए वो किसी और ज़बान का इस्तेमाल जो है वो करता है खासकर आप ये चीज़ समझते हैं कि पाकिस्तान में हम जब स्कूलों में जाते हैं तो हमारी मादरी ज़बान कुछ और होती है हम उर्दू बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं या सिंधी बोलते हैं लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ जैसे हम स्कूल में पढ़ते चले जाते हैं तो बावजूद इसके कि हम बहुत सारे मजामी अपनी इराकई या उर्दू में ज़बान में पढ़ने की कोशिश करते हैं इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हम अंग्रेज़ी जबान का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी एजुकेशन जो है वो बाईल है आज के अनवान का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि आज हम किन किन बातों को आ, अपने पस मंज़र में रख कर बात करेंगे और किन किन इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि किस तरह से लोग जो हैं वो दो जबाने जो हैं वो सीखते हैं क्या उनके माहौल में दो ज़बानों का इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से वो जबान दो जबानें या दो से ज़्यादा ज़बानें सीखते हैं इसके क्या असर जो हैं वो पढ़ते हैं किसी भी फर्द पर खासकर बच्चे पर जो ऐसे माहौल में पल बढ़ रहा हो जिसके अंदर दो जबानें जो हैं वो बोली जा रही हैं हम ये देखेंगे कि दो जबानों में तालीम देने से बच्चे की तलीमी इस के ऊपर क्या असर पड़ता है उसकी कैपैसिटीज़ जो हैं एजुकेशनल कैपेसिटीज़ जो हैं उसके ऊपर क्या असर पड़ता है आया दो जबानों में तालीम लेनी चाहिए या नहीं और फिर आखिर में हम ये देखेंगे कि जो बच्चा पल बढ़ रहा है शुरू के दिन से उसके ऊपर दो ज़बानों का या दो से ज़्यादा ज़बानों का किस तरह से असर पड़ता है और उसकी वक़ूफ़ी काबलीतों पर कागनेटिव एबिलिटीज़ के ऊपर या उसकी जहानत पर या उसकी आ, या उसके जज्बात पर दो जबानों का किस तरह का असर जो है वो पड़ सकता है तो आइए अपने ज़रूरी सवालत जो हैं उनको एक दवा दोहरा लेते हैं ताकि वो हमारे पस मंज़र में रहें और हम इनको इस्तेमाल करें इस ऊनान के तहत पहला सवाल यह है कि बच्चों को क्यों दो जबानें जो हैं वो सीखनी चाहिए यानी बावजूद इसके कि वो एक ऐसे माहौल में पढ़ पल बढ़ रहे हैं जिसके अंदर दो जबान तो कोई ज़रूरी है कि दो जबान सीखी जाए एक ही जबान क्यों ना सीखी जाए हो सकता है कि इंसान के अंदर वकूफ़ी काबिलियत जो है वो सिर्फ एक ही जबान के लिए बनी हुई हो दो जबानों की क्या जरूरत है या तीन जबानों की क्या जरूरत है सीखने की फिर ये कि क्या ये मुमकिन है कि हम किसी तरह से इस बात का तजर्बाती तौर पर अदादा कर सकें कि क्या दो ज़बानें सीखने से बच्चे की किसी अहलियत में कमी आ जाती है आप ये समझ सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ किया जाए हमारे पास एक इस्तेदाद मौजूद हो एक कैपेसिटी मौजूद हो एक चीज़ को करने की और हमको दो कामों को करने का फ़र्ज जो है वो दे दिया जाए तो ज़ाहिर है हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वजन है वो पड़ जाएगा इसी तरह जहन के ऊपर भी वजन पड़ सकता है तो दो जबानों के सीखने से ये अमल जो है ये हो सकता है और उसमें उस जो बच्चा है उसकी उसकी बढ़ोती में उसके बढ़ने में किसी तौर पर इसके ऊपर असर जो है पड़ सकता है जिसकी वजह से बच्चा जो है मे भी तालीमी तौर पर इतना ज़्यादा आगे ना जा सके और फिर हम देखेंगे कि किस किस तरह की बाइलिंगल एजुकेशन जो है यानी दो जबानों में दी जाने वाली तालीम जो है वो किस तरह से राइज है सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बेशुमार और ममालिक में भी दो जबानों में तालीम जो है वो दी जाती है तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि उनके दरमियान और हमारे दरमियान बहुत सारी ममाशलत जो है वो मौजूद हो बहुत सारी मुशाबहत मौजूद हो जिसकी बुनियाद पर हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी मुश्किल हैं दो जबानों में तालीम हासिल करने की और कौन कौन सी मुश्किल हैं अगर एक ही जबान हो जब इंसान किसी चीज को सीख जाए तो आइए बात करते हैं आज के अनवान के बारे में हम शुरू करते हैं बात मादरी जबान के बारे में इसको हम अंग्रेज़ी में मदर टंग कहते हैं कई दफ़ा लफज नेटिव टंग भी इस्तेमाल किया जाता है कि ये हमारी वो ज़बान है जो हमारी माँ बोलती है आ, लेकिन ये मादरी ज़बान या मदर टंग जो है माहरीन के मुताबिक अच्छी टर्मिनोलॉजी नहीं है ये कोई असलाह जो है ये अच्छी नहीं है इसलिए क्योंकि ये पोलिटिकली टड है एन मुमकिन है कि कोई माँ ऐसी हो जो फर्ज़ किया जाए फ्रांसीसी हो और बच्चा जन्म देने के बाद वो इस दुनिया में ना रहे और उसका बाप जो है वो अंग्रेज हो तो वो अपने बच्चे को लेकर इंग्लिस्तान चला जाए तो मादरी जबान तो उसकी फ्रांसीसी थी लेकिन इंग्लिस्तान जाने के बाद बच्चे ने जो पहली जबान सीखी वो अंग्रेजी थी उसको फ्रांसीसी का कुछ भी नहीं पता था तो अब ये झगड़ा रहेगा कि उसकी मादरी जबान फ्रांसीसी है या अंग्रेजी तो इसके पेश नज़र बहुत सारे माहरीन अब इस ख्याल पे पहुंचे हैं कि बजाय इसके कहें कि मादरी ज़बान वो कहते हैं फ़र्स्ट लैंग्वेज पहली ज़बान बच्चा जो है वो कौन सी सीखता है छो so, पहली ज़ुबान कोई भी हो सकती है अगर उसका बालिद उसको इंग्गलस्तान ले गया और उसको अंग्रेज़ी पढ़ाई है तो उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज जो है वो अंग्रेज़ी हो जाएगी उसका उसका ताल्लुक मादरी ज़बान या नेटिव लैंग्वेज से नहीं होगा ठीक है इसी तरह अगर वो एक और ज़बान वो बच्चा सीखता है तो उसको हम सेकंड लैंग्वेज कहते हैं और अगर तीसरी जबान सीखता है तो उसको हम थर्ड लैंग्वेज कहते हैं अमूमन लफज बाई इस्तेमाल होता है आम इस में बाईल लफज इस्तेमाल होता है अगर कोई भी बच्चा एक से ज्यादा ज़बानें जो है वो सीख रहा हो या सीख चुका हो या इस्तेमाल करता हो अब बहुत सारे माहरीन ये कहते हैं जिनका ताल्लुक लिंग्विस्टिक्स के साथ है कि लफज बाई बावजूद इसके कि दो जबानों के बारे में बात करता है या दो जबानों के मन में बात करता यू, यू है यूं यू मुमकिन है कि हम ए, ए, अगर वो बच्चा एक से दो से ज़्यादा ज़बानें जानता हो तो उसको हम मल्टीलिंगुअल एक यानी ज़्यादा करता है लेकिन मल्टीलिंगुअल को भी अमूमन असलाहा जो माहरीन है वो बाइलेंगुल ही कहते हैं यानी दो से ज़्यादा ज़बानें सीखने के बाद भी बच्चा जो है वो बाय ही रहता है इसके बारे में कुछ झगड़ा है कुछ माहरीन कहते हैं कि उसको मल्टी कहना चाहिए और बाइलिंगुअल नहीं कहना चाहिए और कुछ कहते हैं कि मल्टी कहना चाहिए और बाइलिंगुअल नहीं कहना चाहिए ये मुख्तलिफ किस्म का ज़ोर है जो कि मुख्तलि माहरीन देते हैं हम अपने अनवान में इसको मल्टी लेंगुल की सूरत में इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि जब बच्चा दो से ज़्यादा ज़बानें सीखता है उसको हम मल्टी लेंगुल कहेंगे और अगर वो दो ज़बानें जानता है और इस्तेमाल करता है तो उसको हम बाई लेंगुल कहेंगे ये ज़रा कदर आसान है और मैं समझता हूँ कि स्कोलास्टिकली ये इसको समझना ज़रा कदरे आसान है तो इस बहस के बाद हम इस बात की तरफ तोज्जो देंगे कि क्या वजह है कौन सी ऐसी सूरतें हैं कि जिसके अंदर बच्चा जो है वो एक से ज़्यादा ज़बान जो है वो सीख लेता है बच्चा या कोई भी फ़र्द उस सूरत में एक से ज़्यादा ज़बान सीखता है अगर उसके माहौल में एक से ज़्यादा ज़बा जो हैं वो बोली जा रही हों म अगर आप पंजाब में रहते हैं तो यहां पर दो जबानों तो का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है उर्दू का इस्तेमाल है और पंजाबी का इस्तेमाल है इसलिए यहां पर जितने अफराद जो हैं वो पलें बढ़ेंगे वो कम अज़ कम दो ज़बानें जो हैं वो सीख लेंगे ये यकीनी अमर है कि वो लोग जो शहरों में रहते हैं देहातों की नस्बत ज़रूरी दो ज़बानें सीख लेंगे उर्दू भी सीख लेंगे और पंजाबी भी सीख लेंगे इसी तरह अगर आप सिंध में रहते हो तो आप सिंधी भी सीख लेंगे उर्दू भी सीख लेंगे अगर आप बलोचिस्तान में रहते हो तो बलोची भी सीख लेंगे और और उर्दू भी सीख लेंगे अब यहाँ पर और 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 इलाकई ज़बानों के साथ साथ हम जो है उर्दू जो है वो साथ साथ सीखते हैं इसके साथ साथ जब हम स्कूल में चले जाते हैं तो हम एक तीसरी ज़बान अंग्रेज़ी भी सीखते हैं क्योंकि हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो बेशतर अब अंग्रेज़ी में मुंतकिल होता चला जा रहा है बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं हम मजामी जो हम पढ़ते हैं वो अंग्रेज़ी ज़बान में तो इसलिए हमें अंग्रेज़ी का भी करना पड़ता है ये देखने में आया है कि इंसान दो ज़बानें उस सूरत में भी इस्तेमाल करता है अगर नेशनल या ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कुछ और हो पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है और अंग्रेज़ी भी है इसलिए अंग्रेज़ी ज़बान का इस्तेमाल जो है वो राय है अगर आप चले जाएं किसी कानूनदान के पास और उससे कहें कि भाई मेरा ये केस है मैंने कुछ लिखना लिखना है तो वो आपको जो उसकी लिखत पढ़त है उसको अंग्रेज़ी में करेगा और जाहिर है अंग्रेज़ी का इस्तेमाल जो है ऑफिशियेगा दफ्तरी कामों के लिए अंग्रेजी जबान जो है वो इस्तेमाल जब मुग़ल बादशाह हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने चूँकि वो फारसी जानते थे ये सारे बादशाह अफगानिस्तान के थ्रू आए और फारसी ज़बान को बहुत मानते थे और इस्तेमाल करते थे अफगानिस्तान की वजह से तो इन्होंने आकर फारसी ज़बान को ऑफिशियल लैंग्वेज कर लिया तो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जो हिंदी जानते थे या कुछ उर्दू जानते थे उन लोगों को बड़ी तकलीफ हुई लेकिन दरबार के साथ मुंसलिक जितने लोग थे उनको फारसी सीखनी पड़ी सो जो हिंदू आगे को तरक्की करके बादशाह के करीब होना चाहता था या कोई ऑफिशियल पोजिशन लेना चाहता था उसको ज़रूरत थी कि वो अपनी फारसी जबान को सीखे सो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो फारसी हो गई और फारसी का इस्तेमाल जो है वो रॉइज हो गया फिर अंग्रेज़ आ गए तो अंग्रेजों ने इंग्लिश इंग्लिश जबान को राइज कर दिया उन्होंने कभी फारसी हमें नहीं आती तो ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है तो फारसी जो थी वो बिल्कुल मतरूक हो गई इस सब कॉन्टिनेंट में से बिल्कुल अब कोई कोई बोलता है फारसी और वो भी सिर्फ अपने मज़े और चस्के के लिए बोलता है कि उसने ज़बान सीखनी इसलिए फारसी सीखता है वरना फारसी का इस्तेमाल उस तरह से मुस्तमल यानी यूज़ में नहीं रहा जैसे कि अब अंग्रेज़ी का इस्तेमाल है ऐसा भी मुमकिन है कि आप ऐसे घर में रहते हो जहां पर घर में एक जबान बोली जाए और स्कूल में एक और ज़बान बोली जाए बेशुमार ऐसे मुल्क हैं जहां पर घर में एक ज़बान बोली जाती है अफ्रीका में बेशुमार ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर घर में एक ज़बान बोली जाती है लेकिन जैसे ही वो स्कूल में जाते हैं वो एक और ज़बान सीखते हैं अफ्रीका के कई ऐसे मालिक हैं जहाँ पर उनकी लोकल ज़बानें बोली जाती हैं स्वाहिली और जब वो स्कूल में जाते हैं तो फ्रांसीसी का इस्तेमाल करते हैं या अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं चूँकि स्कूल में पढ़ाई जाती है इसलिए बच्चा दो जबानें सीख लेता है आखिरी सूरत में आप बच्चा या कोई भी फ़र्द दो ज़बानें सीखता है अगर वो एक मुल्क से हिजरत करके दूसरे मुल्क चला जाए तो तब भी दो ज़बानें सीखने का मौका मिल जाता है मसलन अगर आज मैं फैसला करूँ कि मैं सऊदी अरेबिया चला जाऊँ तो मुझे यकीन कुछ देर के बाद वहाँ पर अरबी सीखनी पड़ेगी क्योंकि अरबी के बगैर मेरा वहाँ गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा मैं लोगों के साथ आम लोगों के साथ बात नहीं कर सकूँगा तो अरबी का दर्श मुझे लेना पड़ेगा या मैं अगर सोचूँ कि मैं अमरीका चला जाऊँ तो यकीन मैं ना सिर्फ उर्दू बोलूँगा बल्कि उसके साथ साथ अंग्रेज़ी का भी इस्तेमाल करूँगा और उसको सीखूँगा और मैं दो ज़बानें सीखने में आ, किसी हद तक कामयाब हो जाऊंगा यकीन वो बच्चे जो आ, छोटी उम्र में एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हिजरत कर जाते हैं उनके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो ज़बान को तकरीबन उसी तरह सीख लें जैसे कि वहाँ के मकामी लोग जो हैं लोकल लोग जो हैं बोलते हैं यानी अगर कोई छोटा सा बच्चा है वो अगर सऊदी अरेबिया या अमेरिका चला जाए तो यकीन वो अरबी और अंग्रेज़ी की जबान जो है बड़ी तेज़ी के साथ उसी स्किल के साथ उसी एफिशंसी के साथ बोलने लग पड़ेगा जैसे कि वहाँ मकामी लोग बोला करते हैं अब बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो हमने देखा है बहुत सारे माशरों में जो कि एक से ज़्यादा जबान अपने स्कूलों में जाकर पढ़ते हैं और बहुत सारे स्कूल्स जो हैं उनमें एक से ज़्यादा ज़बान जो है वो इस्तेमाल की जाती है और हम इसके ऊपर थोड़ी सी और बहस करेंगे आगे चल के अभी फिर फॉर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सिर्फ आपको कुछ शुमारियात कुछ स्टेटिस्टिक्स आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ इस ख्याल के साथ कि आपको कुछ अंदाज़ा हो जाए कि और बहुत सारे मुल्कों में आ, कौन कौन सी ज़बानें जो हैं बोली जाती हैं स्कूलों में और घरों में और ये ये मुआज ये ये तकाबली मुआजना जो है ज़बानों के दरमियान और फिर इनसे सीखना या मोजिश करना और और चीज़ों को सीखना जो है वो एक लंबा चौड़ा अमल है मसलन अमेरिका में तकरीबन चौदह मिलियन लोग जो हैं हस्पानवी जबान जो है बोलते हैं अंग्रेज़ी भी बोलते हैं और स्पेनिश लैंग्वेज भी बोलते हैं ये एक अजीब व गरीब फिनना है कि स्पेनिश लैंग्वेज जो है वो मैक्सिको से अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में दर आई है क्योंकि बहुत सारे काम करने वाले लोग वहाँ से हिजरत करके अमेरिका चले गए और उन्होंने हस्पानवी जबान स्पेनिश लैंग्वेज को वहाँ राइज किया इस इस, इस आ, शिद्दत के साथ कि अब वहां पर स्कूलों में खासकर साउथ अमेरिका के अंदर बहुत सारे स्कूलों के अंदर स्पेनिश ज़बान जो है पढ़ाई जाती है और रोज़मर्रा ज़बान के इस्तेमाल में भी स्पेनिश का इस्तेमाल जो है वो बेशुमार है किसी कदर अमेरिका इस बात से खुश है क्योंकि अब अमेरिका जैसा मुल्क नॉर्थ अमेरिका ख़ासकर यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो आ, ए, उस उसके अंदर जहाँ पर सिर्फ एक ही ज़बान बोली जाती थी अंग्रेज़ी की अब वहाँ पर भी दो जबानें जो हैं बोली जाने लगी हैं इसी तरह एरटेरिया है एक मुल्क अफ्रीका के अंदर वहाँ तीन जबानें बोली जाती हैं अंग्रेज़ी बोली जाती है, बोल है अरबी बोली जाती है और टेगरिगना बोली जाती है ये तीनों ज़बानें जो हैं ये ये वहाँ पर राइज हैं और बच्चे जो हैं वहाँ पर या अफराज जो हैं उस मुल्क में तीनों ज़बानें जो हैं सीख लेते हैं हिंदुस्तान में पंद्रह ऑफिशियल लैंग्वेज़ हैं यानी उनकी बहुत सारी प्रोविंज़ और स्टेट्स हैं और हर प्रोविंस और स्टेट की मुख्तल लैंग्वेज है हिंदी के अलावा हिंदुस्तान में सोलह सौ पचास जबानों का इस्तेमाल जो है वो होता है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी बेशुमार जबानें हैं जो कि बोली जाती हैं जो कि ऑफिशियल भी नहीं है तो जब ऑफिशियल ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ को करने की तो अफराद को वो जबान भी सीखनी पड़ती है इसी तरह न्यू गिनी में आठ सौ सत्तर जबानें हैं और एक आम आदमी उस मुल्क में न्यू गिनी में तकरीबन तीन जबानें जो है वो सीखता है जब भी आप कोई ज़बान सीखते हैं खासकर अगर आप एक मुल्क से हिजरत करके दूसरे मुल्क में जाएँ और आप एक नई जबान सीखें तो अगर सिर्फ उस जबान को आप सीख लें और अपनी ज़बान को भी कायम रखें यानी अपनी ज़बान को भूलें नहीं तो इसको हम एडिटिव बाई कहते हैं यानी आपने एक ज़बान सीख ली मसना तो आप अमेरिका चले गए वहां जा कर आपने एक अंग्रेजी ज़बान जो है सीख ली लेकिन इसके साथ साथ आपने अपनी उर्दू या अपनी पंजाबी ज़बान को कायम रखा और उसका इस्तेमाल किया और अपने घर में अपने बच्चों के साथ वो जबान बोलते रहे तो फिर तो ये फ़ायदेमंद बात है कि आपने एक जबान के साथ एक और ज़बान को ऐड कर लिया उसको शामिल कर लिया अगर आप अमेरिका चले जाएं और वहाँ पर अंग्रेज़ी ज़बान सीखें और अपनी ज़बान जो है भूल भाल जाएं और उसको इस्तेमाल ना करें तो इसको हम सब्ट्रैक्टिव बाई कहते हैं और माहरी का ये ख्याल है कि ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है अपनी ज़बान को छोड़ देना दरअसल लोगों को चाहिए कि वो अपनी ज़बान को कायम रखें आ, स्वीडन में आ, बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो आ, चले गए हैं और वहां पर वो आ, अपना फ़र्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन और थर्ड थर्ड जनरेशन जो है उनकी पनप रही है और बढ़, पल बढ़ रही है तो स्वीडन की हुकूमत ने इस बात को रियलाइज़ किया कि वो तमाम बच्चे जो वहाँ पाकिस्तानी हैं और उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो स्कूलों में उन्होंने उर्दू को राइज कर दिया कि वो अगर अपनी ज़बान में पढ़ना चाहते हैं इस्लामियात या अपनी ज़बान में पढ़ना चाहते हैं सोशल स्टडीज़ या अपनी जबान में पढ़ना चाहते हैं तारीख तो वो उस जबान में पढ़ें और वो उनको हरूफ तहजीब वगैरह उस शुरू से ही सिखाते हैं वो ये समझते हैं कि जितनी डाइवर्सिटी जितना जितनी तफरीक जो है वो मौजूद होगी लोगों के दरमियान या जबानों के दरमियान तो बैन उसी तरह ही आ, उनके मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरती जो है जबानों की वजह से पैदा होनी शुरू हो जाएगी यूरोप में बेशुमारमालिक ऐसे हैं जहाँ पर तीन या चार जबानें बोली जाती हैं उनमें से एक मिसाल स्विट्जरलैंड की है स्विस स्विट्ज़रलैंड के लोग जो हैं वो कम अज़ कम तीन जबानें बोलते हैं जर्मन फ्रेंच और अटालियन और ये चूंकि मुल्क तीनों मुल्कों के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए इन तीनों ज़बानों का इस्तेमाल वहाँ पर बेशुमार होता है और लोग जो है अमूमन इन जबानों को सीख लेते हैं अब दो सवाल जिनकी तरफ मैं समझता हूँ कि आप भी इस वक्त सोच रहे होंगे या गौर कर रहे होंगे मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ पहला सवाल ये है कि हमारे दिमाग में जिसके बारे में हमने थोड़ा सा ज़िक्र किया था नॉम चॉम्स्की के हवाले से पुराने किसी गनवान में आ, अगर आप उसकी तरफ तवज्जो दें और देखें तो आपको यह एहसास होगा कि नॉम चॉम्सकी ने कहा था कि हमारे दिमाग में एक इलाका है या एक एरिया है या एक मॉड्यूल है जिसके अंदर जिसकी मदद से हम एक जबान जो है वो सीखते हैं तो अगर हमारे पास एक इलाका दिमाग में मौजूद है जबान सीखने का तो जब हम एक जबान सीखते हैं तो वो तो ठीक बात है चूंकि एक इलाका एक, एक जबान है लेकिन अगर हम दो जबान सीखने लगें या तीन जबानें सीखें तो उस इलाके के ऊपर कोई दबाव या वज़न पड़ जाता है क्योंकि हम एक से ज़्यादा ज़बानें जो सीख रहे हैं तो ये पहला सवाल है कि आया आ, जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है दिमाग के अंदर उसमें आ, दो जबान सीखने की सलाहियत जो है वो मौजूद है पहली बात दूसरी बात अगर वो सलाहियत मौजूद है तो वो किसी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करती एक ज़बान को कम सीखे दूसरी ज़बान को ज़्यादा सीखे या दोनों को सीखने के बाद कुछ खलत मलत कर दे और उसका कुछ उसकी कोई समझ ना रहे कोई बात ना बने आ, क्या ये मुमकिन है कि हम ये देख सकें कि जो बच्चे दो ज़बाने सीख रहे हैं उनकी वक़ूफी सलाहियतों में डिवेलपमेंटल डिलेज हो यानी अगर एक बच्चा जो है वो नॉर्मली डिवेलप हो रहा है और आप उसकी वकूफ़ी यानी कागनेटिव एबिलिटीज़ को स्टडी कर रहे हैं देख रहे हैं या उसकी और दूसरी कैपेबिलिटीज को आप स्टडी कर रहे हैं और देख रहे हैं और वो एक नॉर्मल फ्लो के साथ अपने हमजोलियों के बीच बढ़ता चला जा रहा है तो अगर उसके ऊपर हम दो जबानों का दबाव डाल दें तो ये तो मुमकिन नहीं है या ये 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 तो नहीं हो सकता कि वो उसकी जो वो नॉर्मल डिवेलपमेंट वो किसी तरह से सुस्त रफ्तारी की तरफ मायल हो जाए या कम हो जाए जिसकी वजह से वो बच्चा जो है उस तरह से ज़बान जो है सीख ना सके या उसके अंदर कोई वकूफ़ी कागनेटिव या कोई इंटलेक्चुअल जहनी या या दिमागी या, या जहानत के बुनियाद पर फंक्शन जो है वो डिले हो जाए और बच्चा जो है वो रिटार्डेड अंदाज के अंदर ग्रो करे ये दो सवाल जो हैं ये बड़े ही जरूरी हैं हुआ इस तरह से कि बीसवीं सदी के शुरू में और आ, मेरा ख्याल है उन्नीसवीं सदी के आखिर में बहुत सारे माहरे तालीम जो थे वो कनाडा में और अमेरिका में एक साथ इकट्ठे होकर उन्होंने सोचना शुरू किया कि हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को जब तालीम दें तो वो एक ही ज़बान पर मबनी होनी चाहिए क्योंकि अगर हम उन पर दो जबानों का वजन डाल देंगे तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि उनको दो ज़बानें सीखनी पड़ेंगी वो एक ज़बान से भी जाएंगे और वो दोनों जो हैं वो वो सब कुछ ख़लत मलत हो जाएगा और उसमें से कुछ भी नहीं निकल सकेगा और बच्चे की जो तली और तदरीसी सलाहियतें हैं वो बुरी तरह से अफेक्ट होंगी उसके नतीजे में उन्होंने शुरू शुरू में बहुत सारे जहानत के टेस्ट अपने बच्चों को स्कूल में दिए खासकर ये रिसर्च जो थी कनाडा का एक सूबा जिस जिसको क्यूबेक कहते हैं उसमें हुई क्यूबेक में ज्यादा जबान जो है इस्तेमाल होती है फ्रांसीसी और उन्होंने क्या किया कि फ्रांसीसी बच्चों को जो फ्रांसीसी जबान बोलते थे उनको अंग्रेजी के टेस्ट दे दिए जहानत और ये बच्चे जो फ्रांसीसी जबान बोलते थे और सीखते थे ये दरअसल सोशो अकनॉमिकली माली तौर पर ये ज़रा ग़रीब घरानों से इनका ताल्लुक था तो इनके पास ज़्यादा जराए या वसायल मौजूद नहीं थे जिसकी मदद से वो और बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते उनके पास इतने रिसोर्स नहीं थे कि वो तो जब उनको ये जहानत के टेस्ट दिए गए और उनकी फिर उनका मुकाबला अंग्रेजी बोलने वाले बच्चों के साथ जहानत के टेस्ट पर किया गया तो माहरीन तालीम जो थे वो बड़े खुश हो गए उन्होंने कहा देखा हम पहले तो पहले ही कहते होते थे कि अगर दो जबान सिखाओगे जैसे फ्रांसीसी और अंग्रेजी तो फ्रांसीसी भी गई और अंग्रेजी भी गई ये देखो टेस्ट के रिजल्ट लेकिन पता ही चला कि इस तहकीक के अंदर बहुत ज़्यादा खराबी है मौजूद पहली बात तो ये है कि बच्चे जो सेलेक्ट किए गए सैम्पल्स के लिए जो फ्रांसीसी बच्चे थे वो गरीब थे और जो अंग्रेज़ बच्चे अंग्रेजी बोलने वाले थे वो अमीर थे अंग्रेज़ बच्चों के पास या अंग्रेजी बोलने वाले बच्चों के पास ज़्यादा मौाक़े मौजूद थे ज़्यादा किताबें मौजूद थी ज़्यादा वसायल मौजूद थे इसकी वजह से उनकी जहानत का लेवल जो स्कोलास्टिकली मेजर होता है तलीम एतबार से उसको मापा जाता है वो ग़रीब बच्चों की नस्बत ज़्यादा था तो ये झगड़ा जो माहरीसकत आपस में कर रहे थे कि दो जबान नहीं सिखानी चाहिए ये गलत फ़ैसला उन्होंने किया और इसके नतीजे में अमरीका के माहिर तालीम जो थे वो फौरन दो ज़बानों से हट गए उन्होंने कहा कि तमाम की तमाम तालीम जो है वो अंग्रेज़ी में कर दो बावजूद इसके कि वहां पर हिजरत करने वाले बेशुमार थे बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो थे वो अमेरिका में आए थे उनमें जर्मन और स्कैंडवियन और स्विस और इधर उधर के लोग और यूरोप से लोग और जापान से लोग और मिडल ईस्ट से लोग आए हुए थे और वो बहुत सारी भाषाएं और ज़बानें जो थी वो बोलते थे लेकिन अमरीका के माहिर तालीम ने कहा नहीं एक ज़बान कर दो और अंग्रेज़ी ही करो कैनेडा में चूंकि क्यूबैक के अंदर बहुत सारे फ्रांसीसी लोग रहा करते थे तो उन्होंने उसको रजिस्ट किया उन्होंने कहा हम तो सारी अंग्रेजी नहीं कर सकते हम तो फ्रांसीसी बोलते हैं हमारे स्कूलों में भी फ्रांसीसी पढ़ाई जानी चाहिए तो उन्होंने रजिस्टेंस जो है वो शो की और क्यूबैक के अंदर ख़ासकर बावजूद इसके कि अंग्रेजी की तालीम जो है वो दी जाती है फ्रांसीसी जबान का इस्तेमाल जो है वो बेशुमार किया जाने लगा और फ्रांसीसी लोग फ्रांसीसी बच्चे जो थे वो फ्रांसीसी भी सीखते थे और अंग्रेजी भी सीखते थे बावजूद इसके अमेरिका ने अपने मुल्क में ये, ये अंग्रेजी की तालीम बढ़ाई और और ये सोचा कि हम जो हैं आगे निकल जाएंगे क्योंकि हमारे बच्चे एक ही जबान सीखेंगे कॉन्सनट्रेट करेगी और बहुत सारी फ़वाद जो हैं इससे पैदा होंगे बाद में अमरीकन को पता चला कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि दो जबानें जो हैं वो राइज नहीं की अपनी एजुकेशनल सिस्टम के अंदर इससे बहुत सारी कबाहतें अब पैदा हो रही हैं उनके मुल्क में उनके बच्चे जो हैं वो अंग्रेज़ी को भी उतना अच्छा नहीं बोलते या समझते जितना कि और कौमों के बच्चे अंग्रेजी और और इलाक़ाई जबानों को या अपनी फर्स्ट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज को समझते हैं हम इसके बारे में और बहुत सारी बात जो है वो करेंगे अब आया बच्चे जो हैं वो डवेलपमेंटली uh, उनके ऊपर कोई असर पड़ता है अगर वो दो जबाने सीख रहे हो तो इसका जवाब जो है वो हम कहते हैं ए, ए, ये मुनहसर है इस बात पे कि आप किस चीज़ को देख रहे हैं अगर कोई आप टेस्ट दें बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि अल्फाज के ज़खीरे के बारे में तो ए, बहुत सारे तजर्बात ने इस बात को जाहिर किया और ख़ासकर स्टैंडर्डाइज टेस्ट ने इस बात को ज़ाहिर किया कि हम जब भी अल्फाज के ख़ीरे का मुजना करते हैं उन बच्चों के दरमियान जो दो ज़बानें जानते हैं और एक जबान तो ज़रा सा मालूम होता है कि ज़खीरा जो है वो थोड़ा है या छोटा है उन लोगों में उन बच्चों में जो दो ज़बानें सीखते हैं नस्पताज़ के कि वो एक ज़बान को सीखें मगर अगर गौर किया जाए और ख़ास कर अगर इस बात का अदा किया जाए कि दो जबानों में सीखे हुए अल्फाज के अंदर जो फ़र्क है वो वो शेड ऑफ डिफरेंस है लफ्सों के दरमियान और उनको वो बच्चे समझते हैं तो जखीरा जो है वो बराबर बराबर है सो so, इसलिए डेवलपमेंटली वो बच्चे जो दो ज़बानें सीख रहे हैं कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है उनमें और जो एक ज़बान सीखते हैं और वो बराबर बराबर है उनका अल्फाज का जखीरा जखीराज सच अब एक आ, बात जो हमारे जहन में उभरती है इस, इस जमन में वो ये है कि हम ये किस किस तरह से जान लें या किस तरह से समझें कि आ, क्या वजह है या इसकी क्या तोजीह हम दे सकते हैं कि जो जबान है जब बच्चा सीख रहा होता है खासकर अगर उसके पास एक ही इलाका या जगह है दिमाग के अंदर ज़बान को सीखने की तो ये दो जबान किस तरह से सीखता है तो अमूमन बड़ी ही यानी या मोटे अंदाज से हम इस बात के बारे में बात करेंगे दो नज़रियात हैं इसके बारे में या दो तश्रै हैं इस बात की के बच्चे जो हैं वो दो जबानें जो हैं वो किस तरह से सीखते हैं पहली तश्री को हम ये कहते हैं कि इसका नाम है मिश मैश थियोरी या मिश मैश का नजरिया या यूं समझें कि ये मलगोबा है जो तैयार हो रहा है बकोल नॉम चॉम्सकी के और और बहुत सारे नेटिवस्ट्स के कि चूंकि हमारे पास एक ही इलाका है ज़बान को सीखने का इसलिए जब बच्चे के कानों से दो जबान दाखिल होकर दिमाग के उस हिस्से में पहुंचती हैं तो दो जबानों का मलगोबा तैयार हो जाता है वो आपस में मिसमैश हो जाती हैं मद हो जाती हैं और बच्चा शुरू में कुछ समझ नहीं रहा होता और दोनों जबानों को वो तकरीबन बराबरी के साथ रिस्पॉन्ड कर रहा होता है जैसे जैसे बच्चा बढ़ता चला जाता है इन दोनों जबानों के अंदर उस इस इलाके के अंदर दिमाग का जो इलाका है उनमें आहिस्ता 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 तफरीक जो है पैदा होनी शुरू हो जाती है और एक ज़बान उसी इलाके में अलहदा हो जाती है दूसरी जबान से तो बच्चा जो है दोनों जबानों को बाद में इस्तेमाल कर सकता है दूसरी थियोरी या दूसरा नजरिया जो है इस जमन में वो उसको कहते हैं डिफ्रेंसीशन थीरी वो नज़रिया ये कहता है कि बच्चा बचपन ही से दो हिस्सों में उस इलाके को बांट देता है और एक तरफ फर्ज़ किया जाए वो उर्दू सीखता रहता है दूसरी तरफ अंग्रेज़ी सीखता रहता है या एक तरफ फ्रांसीसी सीखता है और दूसरी तरफ अरबी सीखता है तो ये फ़र्क जो है शुरू ही से पैदा होता है और दो जुबानें जो हैं वो डिफ्रेंसीटेड तौर पर चलती चली जाती हैं ये एक लंबी बहस है और लंबी डिटेल है जिसके अंदर मैं इस वक्त नहीं जाऊंगा लेकिन आपको मैं इस बात की तमबी करता हूं कि आप अपनी किताब में ज़रूर देखिए और नोट्स में देखिए और पावर पॉइंट नोट्स में भी देखिए दरअसल जो आ, मिश मैश थीरी है या नज़रिया है वो वो नज़रिया जो मलगोबे पर तैयार किया गया है वो उसमें कोई ख़ास जान नहीं माहरन का ख्याल है कि ये तोजी जो है ये एक्सप्लेशन या ये तश्री जो है ज़बान को सीखने की खासकर दो जबानों को सीखने की आ, मिश मैश से ज़्यादा समझ नहीं आती और जो डिफ्रेंसीशन थीरी जो कहती है कि तफरीक जो है पहले से ही मौजूद होती है ज़्यादा मुनासिब नज़र आती है तो उसकी उसका सबूत देने के लिए माहरीन जो है वो क्या करते हैं वो ये देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि बच्चे जो हैं जब वो चार से दस महीने के दरमियान होते हैं तो वो बैबल करते हैं वो दो एक कॉन्सनेंट और एक सेलेबल को बार बार दोहराते हैं जैसे बाबा दादा नाना एन सोन तो ये बैबलिंग का अमल जो है ये अगर आप गौर से सुने उन बच्चों के दरमियान जिनके माँ बाप मसलन दो मुख्तलिफ मुख्तलिफ़ानें बोलते हों तो यह हैरान कौन बात है कि जब बच्चे एक माँ के साथ होता है तो वो एक तरह की बैबलिंग जो है वो कर रहा होता है और जब वो बाप के साथ होता है तो वो एक और तरह की बैबलिंग मसलन अगर बाप जो है वो अंग्रेज है और माँ जो है वो फ्रांसीसी है तो जब बच्चा माँ के पास होगा तो उसकी बैबलिंग जो है वो फ्रेंच होगी या फ्रांसीसी जबान से मुस्ता मुस्तार ली हुई होगी वो वो सिलेबल्स या वो तरीक़ेकार इस्तेमाल करता है जो कि फ्रांसीसी लेकिन जैसी वो अपने बाप की गोद में चला जाता है उसकी उसको उसकी बैबलिंग जो है वो अंग्रेजी पर मुश्तम हो जाती है वो अंग्रेजी में बैबल करना शुरू करता है जिससे ये पता चलता है कि बहुत छोटा बच्चा यानी चार महीने का बच्चा जो है वो भी जबानों की तफरीक करने लग पड़ता है यानी उसको एहसास होता है जब वो सुनता है उन दो जबानों को तो उसमें वो डिफरेंसेस जो हैं वो क्रिएट करने लगता है और दो जबानों की शुरुआत अपनी बैबलिंग से कर देता है और उसको आगे लेके चढ़ता है अब आप जानते हैं कि बच्चे जो हैं वो ना सिर्फ सुनते हैं और बैबल करते हैं बल्कि वो वर्ड सेगमेंटेशन को भी बड़ा अच्छी तरह से समझते हैं मसलन अगर बच्चा फ्रांसीसी और अंग्रेज़ माँ बाप का बच्चा है तो वो जब लफ्ज़ों का को सुनेगा या लफ्ज़ों को अदा करेगा कुछ देर बाद जब वो दो साल के करीब का होगा तो वो जो लफ्जों की अदायगी में लफ्जों पर दबाव स्ट्रेस डालना है या उनको खींचना है या उनके सिलेबल्स को तोड़ना है वो बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे कि उस जबान में रिक्वायर्ड है मसलन फर्ज किया जाए अंग्रेजी जबान का लफज है किंगडम किंगडम के अंदर दो सिलेबल्स हैं किंग और डम और किंग की आवाज जो है वो हाई टोन्ड है हाई पिचड है किंग और डम मोटी आवाज नीचे की तरफ है तो जैसे कोई बच्चा जो है इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करता है जब वो बड़ा हो जाता है तकरीबन आप समझे तीन चार साल का तो वो अंग्रेजी जबान की स्ट्रेस एंड पॉजेस को इस्तेमाल करते हुए इस लफ्ज को इस्तेमाल करेगा जब वो फ्रांसीसी जबान का लफज मसल ड्रेज टोपी होती है जो पहनते हैं फौजी उसको इस्तेमाल करेगा तो वो उसका उसका पॉज और उसका स्ट्रेस जो है वो वैसा होगा जैसे कि फ्रांसीसी जबान में उस लफज को इस्तेमाल किया जा रहा है तो इससे ये पता चलता है ना सिर्फ बैबलिंग बल्कि लफ्जों का इस्तेमाल भी इन बच्चों के अंदर जो है वो तफरीक पैदा कर देता है दोनों जबानों के अंदर एक साल के बच्चे जो हैं वो ए, दोनों जबानों के अल्फ को अगर उनके दो जबान उनको आती हों तो वो दोनों जबानों के दरमियान फ़र्क जो है वह बड़ी अच्छी तरह से बता सकते हैं वो रिकगनाइज पहचानते हैं और किसी तौर से उसको अदा भी करते हैं और ग्रामर का इस्तेमाल जो है वो आ, उसमें भी तफरीक जो है वो करनी शुरू करते हैं ग्रामर का इस्तेमाल उस वक्त शुरू होता है जिस वक्त बच्चा जो है इस काबिल हो जाता है कि वो जुमले बना सके ग्रामर का इस्तेमाल इससे पहले नहीं अगर वो एक ही लफ्ज़ बोलता है तो उसमें कोई ग्रामर जो है वो शामिल नहीं है उसमें रिकग्निशन है आइडेंटिफिकेसन है उसमें रिकॉल है और और चीज़ें हैं लेकिन उसमें ग्रामर जो है वो मौजूद नहीं है गोखे ग्रामर को वो समझ रहा होता है लेकिन जिस वक्त वो दो हरफी जुमले बनाने शुरू करता है तो दरअसल ग्रामर का इस्तेमाल करता है और बेशुमार तजर्बों ने इस बात को साबित किया है कि बच्चे जो हैं ये जब दो हरफी जुमले जो हैं तैयार करते हैं या बनाते हैं तो उनके अंदर दो मुख्तलिफ ज़बानों की ग्रामर जो है वो मुख्तलिफ़ मुख्तलिफ अंदाज से की जाती है दिलचस्प तजर्बों में से एक तजर्बा इस तरह का है कि वो बच्चे जिनके आ, आ, ए, एक माँ या एक बाप जो है वो साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं अमेरिकन साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं यानी वो या बहरे हों या गूंगे हों और बोल ना सकते हैं तो वो ज़ाहिर है अपने बच्चे के साथ जब बात करते हैं तो साइंस का इस्तेमाल करते हैं और अगर उनमें से एक माँ या बाप जो है कोई जबान बोलती है या बोलता है तो वो उस जबान को भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो तो बहरे नहीं है जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो हैरानी की बात है कि वो दोनों जबानों की ग्रामर को मुख्तफ तरह से इस्तेमाल करता है यानी वह जब उर्दू में या किसी भी जिस भी ज़बान अंग्रेज़ी में या फ्रांसीसी में बात करता है तो फ्रांसीसी ज़बान की ग्रामर को इस्तेमाल करता है और जब वो साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करता है हाथों के इशारों से अपनी ज़बान या अपनी बात को समझाने की कोशिश करता है तो वो साइन लैंग्वेज की ग्रामर को इस्तेमाल करता है और दोनों में तफरीक करता है जिससे ये ख्याल पैदा होता है कि डिफ्रेंसीशन की चीरी जो है वो ज़्यादा सही है दो जबानों को सीखने की तशरीक करने में बजाय इसके कि हम मिसमेशीरी की तरफ रुजू करें या उसकी तरफ़ बढ़ें और कहें कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो सिंगुलरली एक ही ज़बान को सीखने के काम आती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिफ्रेंशिएट करती है तो इस इस सारी बहस के बाद मैं जिस चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूं वो ये है कि हमने आ, यानी गायबंद इस, इस बारे के ऊपर जोर दिया कि दो जबानें सीखना जो है वो इतना बुरा नहीं है जितना एक जबान सीखना है और दो जबानों के बेशुमार फ़वाद हैं अब मैं दरअसल आपको दो जबानों के सीखने के फ़वाद बताने लगा हूँ इस ख्याल के पेश नज़र के एक जबान जो है वह इसकाबिल नहीं है कि उसको सीखा जाए बल्कि दो जबानें सीखना या दो से ज़्यादा सीखना जो है वो बहुत जूदमंद फ़ायदेमंद और फ़र्द को बहुत आगे लेके चला जाता है पहला फ़ायदा दो जबानों के सीखने का जो है वह है कि जो भी दो जबान सीखता है जो बच्चा दो जबानें सीखता है उसको जबानों की साख्त के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है अच्छा कभी कभार तो ये इस साख्त के बारे में बच्चे को शौरी तौर पर इसका एहसास होता है कि वो जानता है कि कंस्ट्रक्शन जो है जबान की या जुमलों की कंस्ट्रक्शन जो है वो किस तौर से हो रही है किस वजह से हो रही है और कभी कभार जो बच्चा है वो लाशरी तौर पर उसको उस स्ट्रक्चर का पता तो नहीं होता लेकिन वो लाशोरी तौर पर अंडरस्टैंड करने लग पड़ता है कि जबान को किस तरह से इस्तेमाल में लाना है वो ये जान लेता है कि कौन से मिनमल यूनिट से कौन से छोटे से छोटा बामानी यूनिट है जबान का जिसको इस्तेमाल करके कोई मानी खेज बात जो है वो की जाती है वो प्रिंटेड सिम्बल्स को बहुत अच्छी तरह से समझता है मसला अगर वो उर्दू और अंग्रेजी को जानता है तो वो हरूफ तहजी को इस्तेमाल करते हुए या लफ्जों लिखे हुए लफ्ज़ों को देखते हुए वो अंग्रेज़ी और उर्दू के दरमियान तमीज़ बेहतर तौर पर करता है इस सारी बात का नतीजा ये होता है कि जिसने दो जबान सीखी उसके पास जहनी तौर पर एक लचक मौजूद होती है मैंटल फ्लैक्सीबिलिटी मौजूद होती है या उसमें पैदा हो जाती है सिर्फ दो जबानें सीखने से बच्चा जो है वो सौती असरा से फोनोलॉजिकली जबानों को डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देता है और वह जानता है कि कौन सी आवाज़ जो है किस तरह तर्ज की है फिर वो ग्रामर को बहुत अच्छा समझता है यानी जो दो ज़माने बोलता है उसको ग्रामर के साथ वो ग्रामर के लिए हसास होता है वो लफ्ज जो है वो अमूमन अच्छे उनका चुनाव करता है और वो गलत लफ्जों को अवॉइड करता है करने के लिए मसलन अगर दो जबानों जो जो दो जबानों को अच्छी तरह से समझता है वो बोल रहा हो तो वो वो आ, ए, हमारे यहाँ एक उर्दू ज़बान में जब हम उर्दू बोलते हैं तो ज़ाहिर अंग्रेज़ी के अल्फाज भी बीच में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कई तरह हम ग्रामर की गलतियाँ जो हैं वो करते चले जाते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि ये जो बच्चा है कोई अगर उर्दू में और अंग्रेज़ी में बात कर रहा हो तो वो कहता है कि ये जो बच्चा है इसको तमीज़ नहीं है हम अक्सर आपस में बातें करते हुए ये कहते हैं तो आ, आ, हम उर्दू में बोलते बोलते अंग्रेजी का एक फ्रेज़ बोलते हैं कि जी इसका ब्रॉटअप अच्छा नहीं हुआ तो दरअसल ये ग्राम ग्रामर के अतबार से ये गलत लफज है ये एक्सप्रेशन जो है ब्रॉटअप जो है अगर हम कहें कि इस बच्चे का ब्रॉटअप अच्छा नहीं हुआ तो ये दरअसल हम उर्दू का जुमला बोल रहे हैं लेकिन जब अंग्रेजी का फ्रेज बीच में बोलेंगे तो ये गलत है जो दोनों जबानों को सही समझेगा वो ये कहेगा इस बच्चे की ब्रिंगिंग अप अच्छी नहीं हुई तो जब हम इस जुमले को बोलेंगे तो ये ग्रामर के अतबार से दुरुस्त होगा वो बच्चे जो इस इस चीज़ को अंग्रेज़ी को और अंग्रे, उर्दू को सही तौर पर अपने स्कूलों में पढ़ते हैं वो अंग्रेज़ी की ग्रामर और उर्दू की ग्रामर को आपस में मिलाकर सही जुमला बनाने के काबिल हो जाते हैं इससे ये पता चलता है कि उनको अबूर हासिल है उर्दू पर भी और अंग्रेजी ज़बान पर भी तभी मुमकिन है कि वो एक ऐसा जुमला बना सकें जिसके अंदर ये एक्सप्रेशन जो है वो सही तौर पर मौजूद हो इसी तरह अगर दो जमानों के ए, का बोलने वाला बच्चा जो है अगर ये जुमला सुने कि बिल्ली भोंकती है तो एक आम बच्चा जो जिसने एक ही जबान सीखी हुई होगी वो कहेगा ये तो गलत बात है बिल्ली कहां भोंक सकती है वो वो उसके जहन में ये बात नहीं आती कि जुमला दरअसल दुरुस्त है जो अमल है बिल्ली का वो वो गलत हो सकता है लेकिन उर्दू का जुमला दुरुस्त है कि बिल्ली भोंकती है तो इससे ये इससे ये साबित होता है कि वो बच्चा जो कि दो जबानें सीखा हुआ होता है वो एहसास करता है कि ग्रामेटिकली जो सेंटेंस है वो करेक्ट है और इसकी इस समैटिकली इस, इस, उसमें गलती हो सकती है मानी के अतबार से उसमें गलती हो सकती है लेकिन ग्रामर के अतबार से उसमें गलती जो है वो नहीं होती फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ज़बान के अंदर छुपी हुई होती हैं या जुमलों के अंदर छुपी हुई होती हैं उनके लिए वो बच्चे जो दो जबानें बोलते हैं बहुत ज़्यादा हसास हो जाते हैं यानी वो मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस जो है उनको होनी शुरू हो जाती है वो जबान के पीछे छुपे हुए बातें उनकी उनसे हटी हुई बातें मावरान उनसे वो उनको सीखनी आसान हो जाती हैं और वो उसके लिए सेंसिटिव होते हैं कि वो मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस या मेजर्स जो हैं उनको जांच सकें वो मुशरती रूल्स प्रैगमेटिक्स दो जबान वाला बच्चा जो है उनको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझता है एक ज़बान बोलने वाले बच्चे की नस्बत सो so, जब भी हम बात करते हैं किसी बच्चे के साथ तो हमारे बोलने का अंदाज़ और हमारी ज़बान का इस्तेमाल जो है वो उस माशरती कदर के मुताबिक होता है जिसके अंदर हम उस बच्चे के साथ उसके लेवल पर जाकर बात कर सकें हम इस इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं और हम ये जानते हैं कि प्रैगमेटिक्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ज़बान की एक्सचेंज का दो अफराद के दरमियान जब जबान जब बोली जा रही है या जुमले बोले जा रहे हैं तो उसमें प्रैगमेटिक्स जो है बहुत ही गहरा उसका असर जो है वो वो पड़ता है और बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के साथ जब बोलते हैं तो एक और तरह से बोलते हैं बच्चे जब बड़ों के साथ बात करते हैं तो एक और तरह से बात करते हैं तो जो दो जबानें जानता है उसको बहुत गहराई के तौर पे पता होता है कि वो उसने जब अपने दोस्तों के साथ बात करनी है तो कैसे करनी है जब बड़ों के साथ बात करनी है तो कैसे करनी है फिर बाइलिंगल बच्चों को अगर आप बहुत पेचीदा किस्म की इंस्ट्रक्शंस दे दें कि यानी हम ये करेंगे उसके बाद ये करेंगे उसमें अंग्रेजी और उर्दू के अल्फाजों को मिला दें तो उनके लिए उन उनस्ट्रक्शन को फॉलो करना जो है आसान हो हदायात अगर आप दे रहे हैं मसलन वो बना रहे हैं कोई घर बना रहे हैं ब्लॉक्स के साथ और उनको अगर इंस्ट्रक्शंस दी जाएं तो वो उनको ज़्यादा बेहतर तौर पर फॉलो कर सकते हैं उन लोग उन बच्चों की नस्बत जो सिर्फ एक ही जबान जो है वो करते हैं फिर क्रिएटिविटी के टेस्ट कौन सा बच्चा जो है वो जिद्दत के साथ कोई नुदरत के साथ कोई नई चीज़ बना सकता है ड्राइंग अच्छी बना सकता है पेंटिंग अच्छी बना सकता है लिखने का कोई अमल अच्छा कर सकता है कोई फन पारा तैयार कर सकता है तो जो दो ज़बाने सीखे हुए होते हैं वो लोग ज़्यादा बेहतर तौर पे क्रिएटिव होते हैं एक जबान को करने वाले आखिर में जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ फ़ायदा है दो जबानों को सीखने में वो ये है कि बच्चे जो हैं वो ख़्याल को किसी न किसी तौर पर मुझत इकट्ठा करने में माहिर हो जाते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन किसी भी कॉन्सेप्ट को फॉर्म तो या तश्ल करने की जो अहलियत है वो पैदा हो जाती है और वो बड़ी तेज़ी के साथ उस कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की तरफ़ बढ़ते हैं जिसका जिसका, जिसका जिक्र जो है पियाजे ने मसलन अपनी डिवेलपमेंटल स्टेज़स में किया कि बच्चे वो बच्चे जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में तेज़ होते हैं और जल्दी बना लेते हैं उनकी मेच्योरिटी और उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल्स जो हैं, वो बड़ी जल्दी से बढ़ जाते हैं ये बच्चे जो दो ज़माने बोलते हैं अमूमन नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में भी आगे होते हैं विजुअल पैटर्न्स को रेकगनाइज या रीऑर्गनाइज करने में माहिर होते हैं और बहुत सारे मसलों को प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर भी ये एक زبان बोलने वाले बच्चों से ज़्यादा होते हैं अमूमन जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं मसायल का हल कर रहे होते हैं तो वो बच्चे जिन्होंने एक ही ज़बान सीखी हुई हो वो अड़ जाते हैं वो फंस जाते हैं किसी एक चीज़ के ऊपर और गैर ज़रूरी कोई कोई डिटेल होती है जिसके ऊपर वो फंस जाते हैं तो जिन्होंने दो जबान या दो से ज़्यादा ज़बानें सीखी हो वो गैर ज़रूरी डिटेल्स के ऊपर तोज्जो नहीं देते और मसले के हल की तरफ आगे को जल्दी से निकल जाते हैं एक और बात जो दो जबानें सीखने वाले बच्चों के दरमियान अक्सर देखने में आई है वो ये है कि इन बच्चों का रवैया दूसरे लोगों के साथ बेहतर होता चला जाता है मतलब आप तस्वर करें कि अगर एक बच्चा है उसको उर्दू और पंजाबी जबान जो है वो आती है तो वो उर्दू बोलने वाले और पंजाबी बोलने वाले दोनों लोगों के साथ आपस में बातें कर सकेगा और माशरती और सकाफती एतबार से उनके दरमियान एक रब जो है वो पैदा हो जाएगा वो एक्सचेंज कर सकेगा उन बातों को और जब उनको वो एक्सचेंज कर सकेगा और उनके साथरती तौर पर मिल जाएगा तो उसके एटीट्यूड या उसके रवैये जो हैं वो ज़्यादा मुस्बत हो जाएंगे अमूमन ये देखने में आया है कि इलाकई जबान बोलने वाले लोग जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ मनफी रवैये जो हैं वो रखते हैं जो पंजाबी बोलने वाला है वो समझता है उर्दू बोलने वाला जो है वो किसी काम का नहीं है और जो उर्दू बोलने वाला है वो ये समझता है पंजाबी बोलने वाला किसी काम का नहीं है तो उनके आपस में रवैये जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ मनफी होते हैं उनमें आपस में तसब जो है वह पैदा होना शुरू हो जाता है लेकिन अगर आप दो जबानें सीख लें या बच्चा दो जबान सीख ले और उसके दोस्त पंजाबी भी हों और उर्दू स्पीकिंग भी हों उर्दू बोलने वाले भी हों तो उसके रवैये दोनों के लिए वो कहता यार वो भी तो लोग ही हैं अच्छे मज़ेदार किस्म के उनके साथ भी बातें हम जाके करते हैं और पंजाबी लोग भी बड़े अच्छे हैं वो भी तो उसके रवैये जो हैं वो मुस्बत होने चाहिए क्यूबैक में आ, फ्रांस के अंदर वो बच्चे जो अंग्रेजी अंग्रेज़ अंग्रेज़ी पढ़ा करते थे या उनके माँ बाप अंग्रेज़ी पढ़ा करते थे आ, उन माँ बाप के अंदर भी कुछ इसी किस्म के तसब जो थे फ्रांसीसी लोगों के लिए थे ये एक इंसानी फितरत है कि जिस वक्त आप किसी इलाकाई ज़बान की वजह से किसी से मुनफरद या फ़र्क हो तो आप ये तसवर करते हैं कि वो लोग जो हैं इतने अच्छे नहीं हैं जितने आप हैं हमारे अंदर भी बेशुमार इस तरह के तस्ब जो जिन जिनकी बुनियाद इलाकाई ज़बानों पर है या इलाकों पर है उस पर मबनी है जो इसी तरह अंग्रेज़ और और फ्रांसीसी लोग हैं उनमें भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं है वो लोग कनाडा के अंदर जो अंग्रेजी माँ बाप या अंग्रेज़ माँ बाप के बच्चे हैं वो जब स्कूलों में जाते थे और अपने फ्रांसीसी दोस्तों के साथ पढ़ते थे तो उनके दोस्त फ्रांसीसी बोलते थे और उनकी दोस्तियाँ फ्रांसीसी लोगों के साथ भी हो जाती थी और वो जो अंग्रेज़ माँ बाप थे वो दिल में अपना तसुब लिए बैठते थे कि फ़्रेंच लोग जो है वो इतने अच्छे नहीं है ये क्यूबैक को अलहदा करना चाहते हैं कैनेडा से वगैरह वगैरह उनके दिल में बहुत सारी तोजीहत जो है वो मौजूद होती थी बच्चे तो एक बात लगे हमारे तो दोस्त हैं हम तो इनके साथ मज़े करते हैं आइसक्रीम खाते हैं वगैरह वगैरह कोई मसला नहीं था उनका तो एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं अगर आप एक से ज़्यादा ज़बानों को सीखें एक मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं शायद आपको समझ आए वो ये है कि किसी कदर हमारा तस्ब जो है वो हिंदुस्तान के साथ है और हम हिंदुस्तान के साथ कुछ उस तरह से और हिंदुस्तान का हमारे लिए ताुब है इसमें कोई छुपी ढकी छुपी बात नहीं है लेकिन अगर आप तस्वर तो करें एक मिनट के लिए कि आप हिंदी जबान जो है वो सीखना शुरू कर दें तो बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो सकाफती एतबार से आप उनकी सीखनी शुरू कर देंगे कि वो किस तरह से मंदिरों में जाते हैं किस तरह से बातें करते हैं वगैरह 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 जब आप उनकी ज़िंदगी के अंदर जबान के रस्ते से दाखिल हो जाएंगे तो बेशुमारसब जो है वो आपके धुल जाएंगे आप कहेंगे कि यार ये तो हम भी करते हैं वो भी करते हैं जैसे हिंदुओं को मुश्किल है अपनी ज़िंदगी में यानी या 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 ख़ानदानों में उनकी मुश्किल हैं उसी तरह हमको भी हैं यानी या 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 हम भी अपनी बीवी से झगड़ते हैं वो भी बीवी से झगड़ते हैं वो भगवान की परस्तिश करते हैं तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो ये बहुत सारी ममासलत है जो कि हम सीख लेंगे ज़बान के ज़रिए से कि वो क्या करते हैं किस तरह से करते हैं बल्कि किसी किसी तौर से हम हसास होंगे कि वो क्या करते हैं ख़ास जो हम नहीं करते या वो क्या करते हैं जो शायद हमें भी करना चाहिए या देखना चाहिए जिसकी वजह से तसुब जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है और और बहुत सारा नस्ली या या मजहबी या इलाकाई या माशरती जो जो तब है या 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 राय आमा है कम से कम राय जो है वो मुस्बत होनी शुरू हो जाती है सिर्फ ज़बान के सीखने से आम, मेरा ये कहना कि तमाम की तमाम बातें जो हैं वो बाइलेंगुलज़म के ज़मन में एडवानटेज़ ही हैं और कोई भी डिसएडवांटेज या कोई भी उसमें कमी या कमज़ोरी मौजूद नहीं है तो ऐसा कहना जो है वो बिल्कुल ग़लत है दो ज़बान सीखने से या दो जबानों के सीखने से या दो से ज़्यादा ज़बानों के सीखने से इसके अंदर कुछ कबाहतें जो हैं वो मौजूद हैं मसला पहली कबाहत ये है कि जब आप दो जबानें सीखती हैं और अगर आपने ज़िंदगी के शुरू में दो जबान ना सीखी बाद में एक जबान और सीखी हो तो आपको प्रोनासीशन की आपको लफज की अदायगी की जो 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 सौती है उसके अंदर मुश्किल जो हैं वो पड़ती हैं वो लोग जो ज़िंदगी के ए, लेट हिस्से में मसला अंग्रेज़ी ज़बान को सीखें तो उनको लफ्ज़ की अदाई प्रोनन्सी में मुश्किल पड़ती है तो बेशुमार लोग जो तीस साल की उम्र में चालीस साल की उम्र में आ, एक मुल्क से दूसरे मुल्क हिजरत करके जाते हैं और वहाँ जा ज़बान सीखने की कोशिश करते हैं या ज़बान सीखते हैं तो बड़ी जल्दी उनको एहसास होता है कि उनकी प्रोनंसिएशन जो है उनकी लफ्ज़ों की अदायगी जो है वो उस तरह से अच्छी नहीं है फिर ये होता है कि दो जबान ख़ास कर अगर लेट दूसरी जबान सीखी हुई हो तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है मसल अगर आपने जबान एक सीखी है तीस साल की उम्र में और अरबी जबान सीखी है और आपको एक अखबार पढ़ने को दिया गया है तो आपकी रफ्तार उस अखबार को पढ़ने की सुस्त होगी बजाय इसके कि आपको उर्दू का अखबार दिया जाए जिसको आप फर फर बगैर किसी रुकावट के तेज़ी के साथ पढ़ सकेंगे सो रिस्पांस जो है वो स्लो हो जाता है फिर कई दफ़ा फैसला करने की कुवत जो हम दिमागी तौर पे करते हैं किसी और ज़बान में मुश्किल होती है क्योंकि आप उस जबान में सोच नहीं रहे होते जो भी ज़बान आपने पहले सीखी हुई होती है उसमें आप मशाक स्किलफुल होते हैं और बेशुमार लोग जो हैं वो जब किसी नई जबान को सीखते हैं और उस मुल्क में जाके रहते हैं तो वो अक्सर तर्जुमे के अमल में से गुजरते रहते हैं पहले वो बात अपने ज़ेहन में उर्दू में कहते हैं फिर उसका तर्जुमा करते हैं अंग्रेज़ी में या अरबी में करते हैं फिर उसको अरबी में अदा करते हैं तो उस, उस वक्त तक जो आपको आपके साथ सवाल करने वाला या बात करने वाला शख्स है वो कोई और बात सोच रहा होता है या वो कह रहा होता है तुम्हारा जवाब क्या था इस ज़मन में तो वो जो है उसके अंदर तब्दीली जो है वो आनी जो है शुरू हो जाती है और उसमें एक तब्दीली रूनुमा होनी शुरू हो जाती है डिसीजन so, मेकिंग में फैसला करने में जो है वो थोड़ी सी रुकावट जो है वो आती है लेकिन इस बात के क़त नजर यानी यकीन ये ये कबाहतें जो दो जबानों को सीखने में मौजूद हैं लेकिन इनका असर जो है वो उस वक्त आया होता है या नज़र आता है जिस वक़्त ये जबान जो है उम्र के ऐसे हिस्से में सीखी जाए जो जो देर से है लेकिन अगर दो जबान शुरू ही से सीखी जाए और मैं समझता हूँ कि इस इस ज़मन में पाकिस्तान जो है वो बड़ा खुशकस्मत है क्योंकि यहाँ पर इलाकई ज़बानें मौजूद हैं यहाँ पर उर्दू ज़बान मौजूद है यहाँ पर अंग्रेजी ज़बान मौजूद है तो हमें बड़ा अच्छा मौका मिलता है एक से ज़्यादा ज़बानों को सीखने में और इस इसके साथ हमारे अंदर ये काबिलियत पैदा हो जाती है कि हम आ, बहुत सारी चीज़ें आ, बहुत सारे एडवांटेजेस जो हैं वो करें करीब करीब दुनिया का निसफ हिस्सा आबादी का कम से कम दो जबान जो हैं वो बोलता है तो इस एतबार से यानी ये खुशकस्मती है कि हम दो या तीन या तीन से भी ज़्यादा ज़बानें जो हैं वो हम सीख सकते हैं तो आ, इस स्लाइड की तरफ मैं आपकी तवज्जो कराऊँगा हम इस प्रोनासीशन के हवाले से ये बात अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे मैं आपको ये ग्राफ दिखाना चाहता हूँ ये दरअसल उन हिजरत करने वाले लोगों का ग्राफ है जो कि अमरीका में हिजरत करके गए और मुख्तलफ मुल्कों से और मुख्तलफ कॉमों से इनका ताल्लुक रहा है और एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप देखें तो उसके ऊपर उनकी उम्र लिखी हुई है सिफर से लेकर बीस साल तक और वाई एक्सिस के ऊपर उनकी एक्सेंट या प्रोनासीशन जो है जबान को अदा करने में वो दी गई है और ये ग्राफ एक नेगेटिव कोरिलेशन को आइडेंटिफाई करता है या दिखा रहा है सिर्फ ये बता रहा है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है तो जबान को अदा करने का अमल जब आप हिजरत करके किसी मुल्क में जाते हैं कम होता चला जाता है आप में ये अहलीत या काबलीत नहीं रहती कि आप आप उस जबान को उस अंदाज़ के साथ अदा कर सकें जैसे कि वहाँ का एक मकामी इंसान करता है मसला अगर आप हिजरत करके यहाँ से अमरीका चले गए हैं और आपकी उम्र जो है वो चंद माह है या चंद साल है तो जब आप बड़े होंगे तो आपके अंदर अंग्रेज़ी बोलने की अहलीत या अदा करने की अहलीत बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे कि वहाँ का एक मकामी शख्स है जो सारी ज़िंदगी से या उसके आबा अजदाद भी अंग्रेजी बोलते रहे लेकिन अगर आपकी उम्र जो है वो बीस से आगे को होगी तो फिर आपके आ, आपकी अदायगी जो है उस तरह से स्वती एबार से उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी की एक यंगर तो इससे एक चीज जो है वो जाहिर होती है कि जबान को सीखने का एक क्रिटिकल पीरियड है एक सेंसटिव पीरियड है जिसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया सेंसिटिव पीरियड है जिसके अंदर जबानों को सीखा जा सकता है उमूा लोग कहते हैं के पैदश से लेकर तकरीबन पाँच साल के अरसे के दौरान ये सेंसिटिव पीरियड बच्चे को तैयार करता है ज़बान सीखने में तो अगर उस दौरान में आपने एक से ज़्यादा ज़बान सीखी हुई हो तो आपको दोनों जबानों की अदायगी जो है उसको उसको पूरा करने में कोई मुश्किल नहीं होगी और आपकी अदायगी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे مقامی लोग उस زبان को ادا करते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारे बच्चे जो फ्रांस में आ, जो फ्रांसीसी زبان बोलते हैं कैनेडा में जिनको अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी ज़बान सिखाई जाती है वो इस इस बात के अहल होते हैं कि वो इस जबान को दोनों जबानों को उसी तरह से अदा कर लें आखिर में मैं छोटी सी बात आपके सामने करना चाहता हूँ और फिर हम इसकी आखिर में समरी करेंगे वो ये है कि बहुत सारी तालीम जो है दुनिया भर में अब बाईल होती चली जा रही है इसकी बहुत सारी किस्में हैं हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम उन तमाम किस्मों के बारे में बात कर सकें लेकिन तीन किस्मों के बारे में मैं जल्द जल्द आपको बताता चलो पहली को हम कहते हैं लैंग्वेज इमरजन लैंग्वेज इमरजन से मुराद यह है कि जबान को किसी तरह से धंसा दिया जाए बच्चे के अंदर जब वो तालीम हासिल कर रहा है तो क्यूबेक में खासकर फ्रांसीसी जबान के ऊपर जोर है बच्चे जब स्कूल में दाखिल होते हैं नब्बे फीसद वह बच्चे जो पहले ग्रेड से लेकर तकरीबन तीसरे ग्रेड तक पढ़ते हैं वो फ्रांसीसी जबान में पढ़ते हैं और नब्बे फीसद जो जबान का इस्तेमाल है वो फ्रांसीसी है और दस फीसद इस्तेमाल जो है वो अंग्रेजी है करते करते जब वो पांचवें ग्रेड में पहुँचते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रांसीसी का ज़ोर जो है वो कम होता चला जाता है और अंग्रेजी का ज़ोर जो है वो बढ़ता चला जाता है कनेडियंस का ये ख्याल है कि इस तरीक़ेक से कम अज़ कम क्यूबैक के अंदर वो बच्चों को बाईल या बायल एजुकेशन देने के काबिल हो जाते हैं और ये एक अच्छा तरीका है जिसकी मदद से बच्चे जो हैं दो जबाने ऑफिशियली और एकेडमिकली अपने इंस्टीट्यूशन में सीख सकते हैं अमेरिका उसकी नस्बत खासकर जो उनकी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो एक ही जबान के ऊपर जोर देते हैं अंग्रेज़ी सीखने में गो के अब रुझान जो है वो बदल रहा है स्कूलों में भी और कॉलेजों में भी बच्चों को कम अज़ कम एक और जबान सिखाने के ऊपर ज़ोर दिया जाता है बच्चे फ्रांसीसी जबान जर्मन जबान और स्पेनिश जबान सीखते हैं मगर कॉलेजों में और स्कूलों में ये तजर्बा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है आ, आम मुशाहिदा है कि जब आप इन बच्चों को देखते हैं वो ये दूसरी जबान सीख रहे हैं तो ये उनके ऊपर एक बोझ होता है कि हमने जबान सीखनी है और ये मजमून को पास करना है वो खुद से खुशी से उस जबान को नहीं सीख रहे होते और चूँकि वो खुद से खुशी से उस जबान को नहीं सीख रहे होते इसलिए वो जबान फ्रो ही रहती है जैसे ही वो कॉलेज छोड़ते हैं वो जबान जो है बिल्कुल बेमानी हो जाती है उनके लिए और कोई इस्तेमाल उसका जो है वो होता नहीं तो इस वजह से अमरीका के अंदर सेमी लिंगुलज़म का एक रिस्क है जो कि फैलता चला जा रहा है और वहाँ के माहिर तालीम जो हैं अब इस बात के लिए बहुत ज़्यादा हसास है वो चाहते हैं कि बड़ी तेज़ी के साथ उनका मुल्क जो है वो लिंग्विस्टिकली डाइवर्सिफाइड और ज़्यादा ज़बानें जो हैं वो बोली जानी चाहिए बच्चों को और ज़्यादा ज़बानें जो हैं वो आनी चाहिए आखिर में मैं बाईलिंग एजुकेशन की बात कर दूँ जो कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में राये जाए जिसमें बच्चे जो हैं वो दरअसल जब शुरू करते हैं तो अपनी ज़बान में शुरू करते हैं जैसे उर्दू जैसे इस्लामियात जैसे तारीख वो उर्दू में या सोशल स्टडीज़ उर्दू में पढ़नी शुरू करते हैं लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी ज़बान भी पढ़ते हैं ख़ासकर जितने गवर्नमेंट के स्कूल हैं उसमें बच्चे पहले पांच सालों में वो सिर्फ अपनी इलाक़ाई जबानों में या उर्दू में तालीम को हासिल करते हैं पाँचवीं जमात में वो अंग्रेज़ी सिर्फ अंग्रेज़ी के मजमून के अतबार से पढ़ते हैं फिर यह होना शुरू होता है कि पाँचवीं जमात के बाद बहुत सारे मजामी जो हैं वो शिफ्ट करके अंग्रेजी ज़बान में तब्दील होने शुरू हो जाते हैं और मैट्रिक में पहुँच कर या फे में पहुँच कर बेशुमार मजामी जो हैं वो अंग्रेजी में पढ़ाए जाते हैं या उनके ऊपर इम्तहानत होते हैं और उर्दू सिर्फ सिर्फ उर्दू के लिए मखसूस रह जाती है या इस्लामियात के लिए मखसूस बाहर यह बात अजीब व गरीब लगती है और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यह अच्छा तरीका नहीं है तालीम को हासिल करने का लेकिन फ्री जमाना अंग्रेजी जबान जो है वो बहुत ज़्यादा मुस्मल है इसकी बहुत सारी अफादियत है बहुत सारे लोग अंग्रेज़ी ज़बान को समझते पढ़ पढ़ते और बोलते हैं इसलिए हमको भी इस तरफ तोज्जो देनी चाहिए कि बच्चे अंग्रेज़ी ज़बान को सीखें और और समझें लेकिन इसके साथ साथ अपनी ज़बान को भूल ना जाए खासकर उर्दू के इस्लामियात इस्लामिया के केस और, और मजामी के इस जो कि जोर देते हैं उर्दू ज़बान के ऊपर उनको चाहिए कि वो कॉलेज लेवल में या यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर उर्दू को जोर दें बावजूद इसके कि वो अंग्रेज़ी की टर्मिनोलॉजी जो है उसके अंदर इस्तेमाल उसका करते रहें। आखिर में हम अपने आज के ऊान की समरी कर देते हैं हमने गौर किया आज दो जबानों के सीखने पर दो जबानों के इस्तेमाल पर हमने जोर दिया कि आया एक जबान सीखनी अच्छी है या दो जबानें सीखनी अच्छी हैं या तीन जबानें सीखनी अच्छी हैं वो कौन कौन से मौाक़े हैं जहाँ पर हमें दो जबानें या दो से ज़्यादा जबान सीखने का मौका मिलता है तो इस, इस सारी बात के पेश नज़र हमने ये बात देखी कि जब बच्चे को दो ज़बानें सिखाई जाती हैं तो क्या उसमें कोई किसी किस्म की कमी या रुजत या रिग्रेशन या डिले डेवलपमेंट का तो नहीं हो जाता तो हमने ये देखा कि ऐसा कुछ नहीं होता बच्चे जो दो ज़बानें सीखते हैं वो भी उतने ही ज़हन उतने ही अच्छे और उतने ही काबिल होते हैं जो कि एक ज़बान सीखने वाला बल्कि बेशुमार बेशुमारफादियत बेशुमार फ़ायदे हैं आ, आ, दो जबानों को सीखने के या दो से ज़्यादा ज़बानों को सीखने के इससे बच्चे के अंदर स्कोलास्टिक तलीबार से और, और माशरती एतबार से बहुत सारी खूबियाँ जो हैं वो पैदा हो जाती हैं और दो जबानों को सीखने में जो कबाहतें हैं या डिसएडवानटे हैं वो कम हैं ज़्यादा नहीं हैं आखिर में हमने एक ब्रीफ सा मख्तसर सा जायज़ा लिया आ, तालीम की मुख्तलिफ फॉर्म्स में जिसमें बायोलैंग एजुकेशन जो है वो दी जाती है जिसमें ख़ास कर हमने पाकिस्तान की बात की कि पाकिस्तान में भी उर्दू और अंग्रेजी राइज है जो कि स्कूलों में पढ़ाई जा रही है जिसकी वजह से हम दो जबानें जो हैं वो सीख रहे हैं सिर्फ एक चीज़ के बारे में कॉशन जो मैं ओर पर समझता हूँ दे रहा हूँ वो ये है कि हमको अपनी जबान उर्दू या हमको अपनी इलाकई जबानें पंजाबी बलोची पशतो और, और सिंधी उसको बिल्कुल आ, 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 सीखना चाहिए क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत ज़बानें हैं और इनको सीखने से हमारे अंदर खूबसूरती जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाएगी इसके साथ मैं आज के मज़मून को यहाँ ख़त्म करता हूँ एक और मजमून और एक और टॉपिक और एक और के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होगा तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज